नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राहुल गांधी संसद में पहुंचे ट्रैक्टर लेकर के। जोरदार संदेश मोदी सरकार को राहुल गांधी का। ट्रैक्टर लेकर खुद से ड्राइविंग सीट पर बैठ करके राहुल गांधी संसद में पहुंचे। एक जोरदार संदेश दिया है राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर के। राहुल गांधी लगातार ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोल रहे थे, लेकिन ये सीधे पहली बार ये हो रहा है कि कोई सांसद किसान कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर पर संसद में पहुंचा है। ये पहली बार हुआ है। तो कांग्रेस ने यहां से एक बड़ी लाइन खींच दी है तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए भी कि राहुल गांधी समेत पूरी की पूरी कांग्रेस अब किसान आंदोलन पर मुखर होकर के सरकार का विरोध करेगी। सड़क से लेकर के संसद तक आज पूरे दिन भर कांग्रेस का बहुत जोरदार हमला होने वाला है सरकार का, लेकिन सुबह सुबह इसकी शुरुआत कर दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी खुद से ट्रैक्टर चला करके अपने घर 12 तुगलक लेन से संसद में पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात की कि राहुल गांधी ट्रैक्टर से आने वाले हैं, इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं थी। यहां तक कि जो कांग्रेस को कवर करने वाले रिपोर्टर हैं, उन तक को भी खबर नहीं थी कि राहुल गांधी संसद में ट्रैक्टर के द्वारा पहुंचेंगे। दरअसल खबर इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि खबर लीक हो जाती है। अगर किसी रिपोर्टर के पास में खबर भेजी जाती है तो खबर लीक हो जाती है, क्योंकि कई सारे कांग्रेस के कवर करने वाले जो रिपोर्टर हैं वो भी बीजेपी तक खबर को फॉरवर्ड कर देते हैं। और ऐसे में होता यह कि राहुल गांधी को उनके घर पर ही अरेस्ट कर दिया जाता, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता, या फिर पुलिस उनको पायलट करके लेकर के आती, गाड़ी में लेकर के आती, ट्रैक्टर पर नहीं आने दिया जाता। लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने यहां पर एक सीक्रेट प्लान के तहत ट्रैक्टर पहुंचाया और ट्रैक्टर पर फिर राहुल गांधी जो है वो संसद में पहुंचे। राहुल गांधी ने संसद में पहुंच करके जोरदार हमला बोला है ट्रैक्टर के द्वारा। राहुल गांधी ने जो कहा है पहले आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद सुनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसानों का संदेश देना चाहता हूं, ट्रैक्टर किसानों की पहचान है, इसीलिए मैं ट्रैक्टर से आया हूं। ये तीनों कानून किसानों के लिए काले कानून है, इन्हें वापस लेना होगा। ये किसानों को दबा रहे हैं, इसीलिए हम ट्रैक्टर के ऊपर आए। राहुल गांधी ने कहा कि तीनों के तीनों काले कानून है, ट्रैक्टर किसान की पहचान है, और इसीलिए मैं सरकार को संदेश देने के लिए ट्रैक्टर के ऊपर आया हूं। ये राहुल गांधी ने कहा। एक रिपोर्टर के द्वारा उनसे पूछा गया कि सरकार संसद के अंदर कह रही है कि कोई किसान की मौत नहीं हुई, किसी भी किसान की मौत नहीं हुई जो लगातार 8 महीने से आंदोलन चल रहा है। इसके ऊपर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के मुताबिक सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा सी, लेकिन जो बाहर बैठे हैं वो आतंकवादी हैं। ये राहुल गांधी के शब्द हैं, आप सुनिएगा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मगर सच्चाई ये है कि सरकार किसानों से उनका हक छीन रही है और 2-3 उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, सुनिए। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पीछे करो यार। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन में किसानों को लेकर, लेकिन सरकार मैं किसानों का मैसेज लेना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ आया। राहुल जी, सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, ये सर ये किसानों के फायदे के लिए है, और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम बातचीत के लिए बड़े पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ही किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। राहुल गांधी ने यहाँ पर सीधा स्पष्ट संदेश दे दिया है, और देखिए एक तीर से राहुल गांधी ने कई सारे शिकार किए हैं। राहुल गांधी के साथ में ट्रैक्टर के ऊपर बैठे थे रवनीत बिट्टू, प्रताप बाजवा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पंजाब हरियाणा के बड़े नेता, यानी जिन
राज्यों से खास करके किसान आंदोलन को मजबूती मिली हुई है, वहां के नेताओं को भी राहुल गांधी ने साथ लिया है। तो एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव इसको कहा जाएगा। लेकिन एक बात को आप देखिए कि राहुल गांधी ने इससे पहले भी, ये तस्वीर आप देखिए, लाल ट्रैक्टर के ऊपर राहुल गांधी बैठे हैं और खुद ये ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये तस्वीर है पंजाब से हरियाणा के बीच में राहुल गांधी ट्रैक्टर पर पहुंचे थे, ये तब की तस्वीर है। और तब भी खट्टर सरकार ने, बीजेपी की खट्टर सरकार ने कहा था कि हम उनको अरेस्ट कर लेंगे लेकिन हरियाणा में घुसने नहीं देंगे। तब हरियाणा में राहुल गांधी ट्रैक्टर से ही घुसे थे। उन्होंने कहा था कि जब तक सरकार अनुमति नहीं देगी मैं यहीं बैठा रहूंगा। और आज संसद के अंदर राहुल गांधी पहुंचे हैं। तो एक बड़ा संदेश है कि कांग्रेस किसान आंदोलन को लेकर के अब मुखर होकर के लड़ेगी। और एक बात को और देखिए, ऐसा लगता है कि कहां आप जो हम बोल रहे हैं यहां पर, आपको लगता होगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सिर्फ बातें जो है कहने भर के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो हम बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुनी जरूर जा रही है और उस पर अमल जरूर हो रहा है। याद करिए, तीन चार रोज पहले मैंने एक शो में कहा था कि अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, उनको ट्विटर छोड़ करके सड़क पर आना होगा। और उसके बाद में 23 जुलाई को 3 दिन पहले राहुल गांधी विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो खबर हमने आपको दिखाई। और अब उसके बाद में राहुल गांधी सड़क पर आए हैं, सड़क पर ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हमारी आवाज जो हम कह रहे हैं वो भी जरूर सुनी जा रही है, इस बात पर भी मोहर लग रही है। तो बड़ी बात यह है, विपक्ष का काम यही है कि आप सड़क पर उतर करके हल्ला बोले। विपक्ष का काम यह नहीं है कि केवल ट्विटर तक आप इस तक सीमित रहे, ये कतई भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए एक विपक्ष के तौर पर। लेकिन सीधी बात यह है कि ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंच रही है, ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में कांग्रेस का जो ये मूव है, कांग्रेस ने जो आज ये पूरा जो स्टेप उठाया है, इसको कहीं ना कहीं ये देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस इस बात का भी ऐलान कर रही है, इस बात का भी दम भर रही है कि हाँ, विपक्ष की अगर बात करनी होगी तो कांग्रेस उसमें फ्रंट फुट पर रहेगी। आज राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं संदेश जरूर दे दिया है। और बीजेपी के लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ सड़क के ऊपर, संसद के बाहर राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है, दूसरी तरफ संसद के अंदर मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता, उन्होंने लोकसभा के अंदर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भेज दिया है। पेगासस जासूसी कांड के ऊपर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं अब सड़क से लेकर के संसद तक कांग्रेस जबरदस्त हल्ला बोलने की तैयारी में है और यह साफ संदेश दे रहा है कि मोदी सरकार के लिए आने वाले दिन अब शांत नहीं होंगे, मोदी सरकार के लिए आने वाले दिन उथल पुथल भरे होंगे। और आज भी ये बड़ी फटकार जो है वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को भी लगेगी। क्यों? क्योंकि 12 तुगलक लेन से लेकर के संसद तक की जो दूरी है वो करीब 6 से 7 किलोमीटर की है। राहुल गांधी संसद में पहुंच गए तब जाकर के, विजय चौक तक वो पहुंच गए तब जाकर के सुरक्षा एजेंसियों को पता चलता है, उससे पहले किसी को कानो कान खबर नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए जो है वो आने वाले दिन जो है वो खलबली भरे रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी इस चीज को बरकरार रखेंगे। ये बात भी हम लगातार कहते रहे हैं कि वो आते हैं, उनकी एंट्री होती जबरदस्त एंट्री होती है, मीडिया का पूरा अटेंशन उनको मिलता है, लेकिन क्या उसके बाद में वो उसको बरकरार रखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये बरकरार रहेगा इस बात के भी संकेत है, क्योंकि अभी तो 13 अगस्त तक तो लगातार संसद ही चलनी है। तो मामला गर्म है, मुद्दा गर्म है, आवाज और ये बात, ये जाति कहां तक है, ये मुद्दा कहां तक जो है अपनी रफ्तार, अपना सफर करेगा, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल, जिस तरह से राहुल गांधी सड़क पर उतरे, खुद से ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।